हाय फ्रेंड्स, साइबीसाई किचन पर आप सबका स्वागत है। आज मैं झटपट बनाऊंगी पुदीना राइस प्रेशर कुकर में और बनाऊंगी अंडा करी। अंडा को बिना उबाले प्रेशर कुकर में जो हम राइस बनाएंगे वो जो हम डेली यूज़ करते हैं उसी राइस को बनाएंगे। इसमें मैंने कोई बासमती राइस का यूज़ नहीं किया है। रेसिपी पसंद आने पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अंडा करी बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पेस्ट बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच काजू और 2 चम्मच दही। इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसका मिक्सी में पेस्ट बना लिया है, देखिए। अब हम एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल को गर्म होने पर उसमें डालेंगे जीरा, एक फूल चक्री, दालचीनी, लौंग और इलायची, 2 हरी मिर्च, 2 कटा हुआ प्याज। इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है। इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूंगी, इसका कच्चा इसमें ना आए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर 2 बड़ा साइज का टमाटर है जिसका मैंने पेस्ट कर लिया था, तो उसको मैं ऐड कर रही हूँ। उसको भी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। टमाटर और प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। इसमें मसाला जितना अच्छे से फ्राई करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं नमक, हल्दी पाउडर। इसमें टमाटर था तो इसको धोकर मैं इसका पानी भी इसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरीके से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये ऐड करने से कलर अच्छा आता है। तो इस मसाले को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे। मसाले ने यहाँ पर तेल छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं जो पेस्ट बनाई थी काजू और दही का, इसको ऐड कर रही हूँ और फिर इसको धीमी आँच में, बिल्कुल धीमी आँच में हम इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे। यहाँ पर चाहे तो हम गैस को बंद भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैं यहाँ पर गैस को अभी मीडियम में रख के फिर से इसको भून रही हूँ। मसाला यहाँ पर तेल छोड़ दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पानी। पानी उतना ही ऐड करेंगे जितना हमें ग्रेवी चाहिए। तो इसको हम ढककर उबाल आने देंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे से उबाल आ रही है हमारे ग्रेवी में। इसमें मैं सिम गैस को बिल्कुल सिम में रख दूंगी और एक एक करके अंडा जो है उसको फोड़ूंगी और धीरे से इसको ऐड करूंगी ग्रेवी में। एक एक अंडा एक एक जगह पे रखेंगे, एक ही साथ में नहीं रखेंगे। धीरे धीरे से हम चारों तरफ में अंडा रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 अंडा लिया है और इसको बिना हिलाए इसको हम ढक के रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा अंडा जो है अभी तक पका नहीं है, ऊपर से दिख रही है। थोड़ी देर और इसको कुक करेंगे। अभी हम इसको पलट लेंगे। देखिए यहाँ पर अंडा जो है वो अच्छे से पक गया दिख रहा है। तो हम इसको पलटेंगे एक एक करके धीरे से। ये बहुत डिलीशियस और टेस्टी होता है, इस तरह से बनाएंगे झटपट बन जाता है और टेस्टी बहुत होता है। कभी आप लोग भी बनाइए इसी तरीके से जिस तरह से मैं बता रही हूँ। इसके साथ आप लोग कुछ भी खा सकते हैं, रोटी, पराठा, चपाती या फिर राइस। तो यहाँ पर हमारा एक करी तकरीबन रेडी हो गया है। यहाँ पर ग्रेवी हम जितना चाहते हैं उसी हिसाब से इसको हम और ड्राई कर लेंगे। तो मैं इतना ही ग्रेवी रखना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा डिलीशियस एक करी बिल्कुल रेडी है। मैं इसके साथ पुदीना राइस बनाऊंगी। नेक्स्ट मैं पुदीना राइस का रेसिपी बना रही हूँ। आप लोग इसको रेसिपी को पूरा देखिए, पूरा देख के आप लोग बताएंगे कि मैं किस तरह से बनाई हूँ, क्या हमारा ये रेसिपी अच्छा बना है या नहीं बना है। कुछ भी जो भी है वो कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। तो इसके लिए मैंने राइस जो हम डेली खाते हैं उसी राइस को लिया है। मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ऐसे रख दिया है 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैं एक पेस्ट बना रही हूँ। 2 हरी मिर्च और पुदीना पत्ता, थोड़ा सा लहसुन, इसका एक पेस्ट बना लूंगी। तो ये मैंने पेस्ट बना लिया है। राइस बनाने के लिए एक प्रेशर कुकर को मैंने गर्म कर लिया, उसमें 2 चम्मच तेल और 2 चम्मच घी ऐड किया है। इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ी इलायची, 1 जीरा और दालचीनी, 2 लौंग और 1 बड़ा कटा हुआ प्याज। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बनाया था पुदीना का उसको मैं ऐड कर रही हूँ और उसको भी अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसी ग्लास से 2 ग्लास राइस लिया है। 2 ग्लास राइस के लिए मैं यहाँ पर 4 ग्लास पानी ले रही हूँ।
यहाँ पर झटपट बनने वाला ये जो राइस का रेसिपी है आप लोग जरूर बनाइएगा, बहुत टेस्ट होता है इसमें, बिल्कुल खिला खिला बनेगा। पानी अगर हम सही तरीके से देंगे तो राइस हमारा बिल्कुल प्रेशर कुकर में भी खिला खिला बनेगा। तो यहाँ पर इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। अब मैं ढक्कन बंद करके इसमें 3 विजल लगाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। 3 विजल हो चुका है, यहाँ पर मैं ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा राइस कितना खिला खिला बना हुआ है। खिला खिला पुदीना राइस को मैं सर्व कर लेती हूँ। इस तरह से अंडा करी के साथ पुदीना राइस बहुत टेस्टी आता है, आप लोग जरूर इसको ट्राई कीजिए। आप लोगों को क्या लगता है कि ये टेस्टी बना है या नहीं बना है? जो भी है आप लोग जरूर कमेंट में बोलिए। रेसिपी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि कैसा बना है, और बहुत जल्द एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।